तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये क्या करें। ये कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, एक इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें बी स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन है, पी प्लस स्मॉल ए और वॉल्यूम भी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम भी माइनस कोई कॉन्स्टेंट बी, दैट इज आर टी। तो अगर आप डायमेंशन के हिसाब से देखोगे, तो डायमेंशन के हिसाब से देखोगे तो ये तभी जुड़े हैं जब इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम भी के इक्वल होगा। अब मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम भी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से ए निकालो। ए भाई वही लोग जुड़ते हैं, वही लोग घटते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट और नेचर सेम होता है। तो डायमेंशनली ये वाली जो क्वांटिटी है इसके बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं भाई। ये वही जुड़ते हैं, वही घटते हैं जिनका नेचर और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी प्रेशर ए और वॉल्यूम वी के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर पी वॉल्यूम वी के स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर ए की जो वैल्यू आ जाएगी, वो क्या पूछ रहे हैं भाई, तो वॉल्यूम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर पी वॉल्यूम वी का स्क्वायर। तो वन अपान प्रेशर पी, तो वन अपान प्रेशर पी अगर तुम पढ़ोगे आगे, थ्योरिटिकली थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होगे, तो ये इसको के से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो वन अपान प्रेशर पी कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल होता है। और ये जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर और ए की वैल्यू है, ठीक है, बी स्क्वायर ए की वैल्यू, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है तो ए की वैल्यू है। तो इस हिसाब से अपना थर्ड ऑप्शन मैच कर जाता है इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, कुछ चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।